तारीख को यहाँ ऋषिकेश आने वाले हैं। इससे पहले रुद्रपुर आए थे और रुद्रपुर से उन्होंने आप सब लोगों के लिए मुझे कहा कि आप जहां भी सभा में जाएंगे तो मेरी तरफ से सबको मेरा प्रणाम कहना, मेरा राम राम कहना। मोदी जी की तरफ से भी आप सबको प्रणाम और राम राम। भाइयों बहनों, मैं यहां आकर आश्वस्त हो गया हूं कि मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं है कि जितने वोटों से पिछली बार यहां लोकसभा में अंतर रहा था उससे कहीं अंतर इस बार होने वाला है। इतनी बड़ी विशाल संख्या देखकर मैं कह सकता हूं। और आप सब जानते हैं अनिल बलूनी जी इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में बहुत सारे संकल्प हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उनकी इच्छा है कि इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, नौजवानों को आगे बढ़ाना है, माताओं बहनों के जीवन में सुधार करना है, क्षेत्र के अंदर राज्य और केंद्र के समन्वय से लगातार चीजों को आगे बढ़ाना है। और पिछले सालों में भी लगातार वो हमारे इन पूरे क्षेत्रों के उत्तराखंड के निरंतर विकास के लिए निरंतरता से काम करते रहे हैं। और भाइयों बहनों, इस बार कहीं भी मैं जा रहा हूं, कल भी हम चौमट्टा खाल में थे और अनेक स्थानों पर मैं सभाओं में गया हूं, पूरे प्रदेश के कोने कोने में गया हूं और देश भर से भी जो आवाज आ रही है, इस बार ये कोई प्रश्न नहीं है कि सरकार किसके बनने वाली, ये कोई नहीं पूछ रहा है। सबको पता है सरकार किसकी बनने वाली है, किसकी बनने वाली है, जरा जोर से बोलिए आप। और मैं गढ़वाल लोकसभा में भी आज अनिल जी के साथ कई दिन हो गए, 6-7 सभाएं हूं मैं लगातार गया हूं, तो मुझे लग रहा है कि जो पिछली वाली सभा थी उससे ज्यादा बड़ी सभा यहां होगी और उससे अब मैं देख रहा हूं कि अगले दिन दूसरी में जा रहा हूं। तो मैं अनिल जी से कह रहा था, यार कल तो बड़ा मन अच्छा हो गया बीरो का वहां चौबट्टा खाल में, और आज जब हम लोग हेलीपैड से वहां से स्कूल से वहां से आ रहे थे तो रास्ते में जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोग भाजपा का झंडा लेके खड़े थे, आज इतनी ऊर्जा आ गई। सच बता रहा हूं, अनिल जी तो प्रत्याशी हैं लेकिन मैं प्रत्याशी के साथ सह प्रत्याशी जैसा हूं कि मैं भी जो है इनके लिए यहां पर आप सबका मत और समर्थन मांगने के लिए आया हूं, तो मेरी भी ऊर्जा बढ़ गई और मुझे लग रहा है कि मैं अब दूसरी सभा में चिन्यालीसौड़ जाऊंगा अभी, तो जितनी ऊर्जा मैं यहां लेकर आया था उससे दुगनी ऊर्जा आप सबकी वहां लेकर जाऊंगा। भाइयों बहनों,